press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे आज ये बात करने वाला हूँ HDB फाइनेंस के MI कार्ड के बारे में। आप हमारे संग बने रहिएगा, हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस कार्ड के बारे में, इस कार्ड के क्या चार्जेस हैं, एक कार्ड कैसे काम करता है, ऑनलाइन ऑफलाइन मैं सभी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत खास होगा, आप इस वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूँ, HDB फाइनेंस एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि पर्सनल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, तरह तरह के लोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी देती है। तो इस कंपनी का एक थोड़ा रूल क्या है कि आपको इसमें आसानी से आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप परचेस करवा सकते हो, ओनली पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक या तो बैंक का पासबुक देकर। और आपको जब आप लोन करवाओगे तो आपको एक कार्ड मिलता है जो कि जिस तरीके से आपका ATM कार्ड रहता है सेम उसी तरह रहता है, उसमें एक नंबर रहता है और आप उस नंबर के थ्रू आप आसानी से लोन ले सकते हो। तो आज मैं आपको उस कार्ड के बारे में कुछ खास बातें बताने वाला हूँ। एक कार्ड कैसे काम करता है, आप इस कार्ड को ऑनलाइन Amazon, Flipkart ऐसे साइट पर यूज नहीं कर सकते हो। आपको इस कार्ड को जो है जहाँ पे HDB फाइनेंस का स्टोर रहेगा, आप किसी भी मोबाइल के शॉप में जाओगे या किसी भी बड़े शोरूम में जाओगे, वहाँ पर अगर लोन होता है तो आप उनसे बोलना कि मुझे HDB फाइनेंस पे लोन करवाना है, कैमरा, TV, LED, फ्रिज, कूलर, कोई भी सामान। जब आप उनको ये बात बोलोगे कि मेरे पास HDB कार्ड है और मैं लोन लेना चाहता हूँ, तो आपको बताएंगे कि आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए। तो आप उनसे बोल देना कि जो भी प्रोडक्ट आपको उनके पास उपलब्ध है वो प्रोडक्ट आपको दे देंगे। तो उस प्रोडक्ट में आपको जो है आपका HDB कार्ड का नंबर दिखाना पड़ेगा और आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक का एक कॉपी देना पड़ेगा। आपको कैंसिल चेक में सिग्नेचर करके आपको देना पड़ेगा और पैन कार्ड, आधार कार्ड का एक कॉपी देना पड़ेगा। और आपको कार्ड का नंबर डाल के आपका लिमिट चेक करें कितना आपका लिमिट है। अगर आपको अपने कार्ड का लिमिट चेक करना है तो आपको कस्टमर केयर में कॉल करना पड़ेगा। मैं आपको स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, आपको इस नंबर पर कॉल करना रहेगा, सुबह 11 बजे के बाद ही कॉल करना। और इनका कस्टमर केयर थोड़ा बिजी रहता है, आप कॉल करने के बाद आपको अपना सारी जानकारी को वेरीफाइड करवाना पड़ेगा। आप पूछना कि सर मेरे कार्ड की लिमिट कितनी है, तो आपका कार्ड का लिमिट बताएंगे। और एक कार्ड जो है बाजार की तरह नहीं है कि आप जो है ऑनलाइन नो कॉस्ट पे सामान ले सकते हो, आपका ये ऑफलाइन वर्क करेगा। समझो कि जहाँ पे HDB फाइनेंस का स्टोर रहेगा, जहाँ भी HDB फाइनेंस का सामान मिलता है लोन पे, वहाँ पे कार्ड को आप दिखाओगे और आपको डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक देना पड़ेगा, आपका हो जाएगा। तो एक कार्ड इस तरीके से काम करता है, इसका चार्ज और फीस ना के बराबर है। इसके बाद इस कार्ड में एक खास बात ये है कि आपको किसी प्रकार का मगजमारी नहीं होता है। आपका सिविल स्कोर के हिसाब से इसमें लोन मिलता है, ऐसा नहीं है अगर आपका सिविल स्कोर नहीं होगा तो शायद आपको लोन ना मिले। तो एक कार्ड के नियम और रूल है जो कि मैंने आपको बता दिया है। इस कार्ड का लिमिट चेक करने का एक ही तरीका, आपको कस्टमर केयर में कॉल करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। बाकी आप लोगों को अगर और भी इसके बारे में जानकारी जानना है तो आप कस्टमर केयर में कॉल करके पूछ सकते हो, यही इसका नियम है। कोई भी सामान आपको लेना है तो आपको अपने नियर बाई आप गूगल पे सर्च करना HDB फाइनेंस स्टोर। आप सर्च करोगे आपके एरिया में जो भी HDB फाइनेंस की स्टोर रहेंगे वहाँ पे शो करने लगेंगे। आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और अपने कार्ड का नंबर दिखाना है, आपका लोन हो जाएगा। डाउन पेमेंट आपको ऑफर के हिसाब से भरना पड़ेगा, आपका हो जाएगा। अच्छा वर्क करता है, मैं इसे खुद लोन करवाया हूँ, फ़ायदे बहुत मिलते हैं। आप 1 से 1.5 साल अगर आप इनका टाइम पर लोन लेके पे करोगे तो आपको पर्सनल लोन का ऑफर देते हैं, सामने से कॉल भी करते हैं। तो बस यही कहना था, और भी अगर कोई जानकारी छूट गई है आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको अपना मोबाइल नंबर कुछ भी चेंज करना है तो आप इनके कस्टमर केयर में कॉल करवा के चेंज करवा सकते हो। अगर आपका ईमेल ID अपडेट करवाना है, चेंज करवाना है, तो आप कस्टमर केयर में कॉल करके आप चेंज करवा सकते हो, या तो आप नियर बाई ऑफिस में जाके चेंज करवा सकते हो। बस यही कहना था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना, आपके मन में और भी कोई सवाल हो तो कमेंट करना।
फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।